आज यहाँ पे चांद रात है और काफ़ी गेमा गेमी है मॉल में। अभी हम लोग जा रहे हैं आगे, यहाँ पे सेंटर पॉइंट है। आज हम अपनी अफ्तारी जो है ना, यहाँ बहुत ही फेमस, यहाँ पे पाकिस्तान का ओपन हुआ है राहत स्वीट्स एंड बेकर्स। ये पाकिस्तान में तो बहुत फेमस है, अब यहाँ हम देखेंगे कि इनका यहाँ पे खाने कैसे हैं और अफ्तारी में क्या ये ऑफर कर रहे हैं। अच्छा जी, अभी जा रहे हैं हम अजमान। ऑलमोस्ट आधा रास्ता हमने अपना कंप्लीट कर लिया है। आज मौसम बड़ा शानदार है, मुतदिल है, हवा चल रही है, क्लाउडी है वेदर, और ऐसे में जो है ना ट्रैवल करने का बहुत मज़ा आता है। अजमान है एक ऐसा शहर है जो कि रिलेटिवली नया शहर है, मतलब दूसरे सिटीज़ के मुकाबले में। यहाँ पे काफ़ी जो है ना बिज़नेस सेटअप्स लगाए हुए हैं लोगों ने, और काफ़ी चीप है रेंट्स भी, उसकी वजह से आपको चीज़ें भी सस्ती मिल जाती हैं। तो इसीलिए आज हम जा रहे हैं एक स्टोर पर, वो भी दिखाएँगे आपको कि हमने क्या क्या शॉपिंग करनी है। एरिया वाइज तो कोई ज़्यादा अच्छी जगह नहीं है ये, यहाँ पे टोटली मतलब ये टूटा हुआ एरिया है, लेकिन बड़ी बिल्डिंग्स हैं। अजमान में भी अभी ट्रेंड चल पड़ा है ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स का। यहाँ पे ये स्टोर है मोन्ज़ा आउटलेट, लेकिन इसमें सारी शीन की प्रोडक्ट्स हैं। जितनी भी कार्स हैं ये सारे लोग जो ना शीन में अंदर यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आए। ये है जी यहाँ शीन का स्टोर अजमान में, काफ़ी फेमस है ये, इनकी प्रोडक्ट्स बहुत फेमस है। और इधर अभी हम लोग आए हैं, फोटोग्राफी यहाँ पे अलाउड नहीं है, तो इसलिए मैं काफ़ी एहतियात से जो है इसको बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए कॉस्मेटिक्स की ये सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत ही कम प्राइसेस में जो है इन्होंने लगाई हुई है। अगर आप माल से परचेज करेंगे तो उनकी प्राइस कम टाइम आपको ज़्यादा मिलेगी। ये ऐसा नहीं कि नॉर्मल है, ये सारी ब्रांडेड जितनी भी कॉस्मेटिक्स हैं, जितने भी फेमस जो ना ब्रांड्स हैं, ये उनकी प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पर इन्होंने लगाई हुई। अब जैसे ये बोर्जॉयस की जो है ना, ये कोई प्रोडक्ट है, ये मार्केट में 50-60 दरम इसके प्राइस होते हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने ये 10 दरम की लगाई हुई है। तो इसका इसी तरह दूसरी भी जो चीज़ें वो इसी रेंज में यहाँ पे मिल जाती हैं आसानी से। ये सारे ब्रांडेड यहाँ पे शूज़ लगे हुए हैं, उनकी जो प्राइसेस हैं वो मार्केट से मतलब कम है काफ़ी। कुछ शूज़ मार्केट में जिसकी 350 या 360 इस तरह यहाँ पे 200 तक के मिल जाते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे रश है काफ़ी ज़्यादा, तो बड़ा मुश्किल हो रहा है जो ना वीडियो बनाना भी, तो ख़ास तौर पे प्राइवेसी के इश्यूज़ की वजह से लोग भी मना करते हैं, और यहाँ की मैनेजमेंट की तरफ से भी मना किया जा रहा है कि वीडियो यहाँ पे नहीं बनानी। तो जी अभी हमने ये शॉपिंग कर ली है, ये कुछ इसमें कॉस्मेटिक्स के आइटम और कुछ मुझे अपने लिए शर्ट्स मिल गई हैं अच्छी सी। ये एक फरारी का शूज़ है, यहाँ से बहुत ही मुनासिब प्राइस में मिल गया है, जो मार्केट प्राइस है इसकी उससे 2 times जो ना ये हमें कम मिला है इसकी प्राइस में। आज हम अपनी अफ्तारी जो है ना, यहाँ बहुत ही फेमस, यहाँ पे पाकिस्तान का ओपन हुआ है राहत स्वीट्स एंड बेकर्स। ये पाकिस्तान में तो बहुत फेमस है, अब यहाँ हम देखेंगे कि इनका यहाँ पे खाने कैसे हैं और अफ्तारी में क्या ये ऑफ़र कर रहे हैं। लेकिन बड़ी अच्छी अरेंजमेंट्स यहाँ पर की है इन्होंने। अच्छा जी, अभी हम गए थे यहाँ पे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पता चला कि वहाँ पे प्री बुकिंग होती है, जिसकी वजह से वो एक वीक पहले एटलीस्ट बुकिंग कराना पड़ती है। तो हमने फिर ये किया कि पार्सल में चीज़ें ली हैं, बड़े दूर आके काफ़ी खुवारी हो गई है। लेकिन अभी एक बड़े ही अच्छी जगह है जहाँ पर हम बैठे हुए हैं, बैकग्राउंड में पार्क है, और ये बड़ा अच्छा एरिया है, मतलब बहुत पीसफुल एरिया है, सारा रेजिडेंशियल एरिया ही है अजमान का। तो इसमें जो है ना, अभी हमने सोचा कि रोड के साइड पर ही यहाँ पे गाड़ी खड़ी करके पार्किंग यहाँ पे अफ्तारी करते हैं हम। इनका यहाँ पे स्पेशल ये चना चाट है और दही भले, ये बहुत ही फेमस हैं पाकिस्तान में, इनकी बहुत फेमस हैं, यहाँ आप ट्राई करते हैं। एग्जैक्टली वैसा ही टेस्ट है इसका भी। वाह जी, ये है जी पाकिस्तान की स्पेशल जलेबी, और साथ हमने लिए हैं समोसे और ये चीज़ें।
अफतारी के बाद हमने सोचा कि थोड़ी देर यहाँ पे पार्क में रुकना चाहिए। बहुत ही ज़बरदस्त पार्क है ये बच्चों के लिए। यहाँ पे हमने सोचा कि थोड़ी देर बच्चों को एंटरटेन करवाते हैं। यहाँ पे आए हैं जी, ये बैग्स की शॉप है। यहाँ पे जो ना लेडीज़ के हैंड बैग्स हैं, उसके अलावा यहाँ पे शूज़ मिलते हैं बहुत अच्छी प्राइस में, सैंडल्स हैं। काफ़ी अच्छा स्टोर है ये, अबू हिल का एरिया यहाँ दुबई में। तो बहुत ही मुनासिब प्राइस में जो ना आपको ये सारी चीज़ें मिलती हैं। मार्केट में आलमोस्ट जो ना डबल है इसकी प्राइस, अगर माल से जाके ख़रीदते हैं इस तरह के बैग्स। ये काफ़ी अच्छा स्टोर है। अभी हम आए हुए हैं यहाँ पे गुरेर माल में। आज चांद रात है तो यहाँ बड़ी रौनक है। ये इन्होंने काफ़ी अच्छी रेनोवेशन की है फूड कोर्ट की। तो यहाँ पे सेंटर पॉइंट है, वहाँ से हमने एक दो चीज़ें लेनी है, उसके बाद हम वाइंड अप करेंगे अपनी शॉपिंग को। हाँ जी, स्प्लैश से हमने कुछ दो चीज़ें लेनी है, उसके बाद फिर हम घर वापस जाएंगे क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है और यहाँ पे रश भी है बहुत ज़्यादा। तो बस कुछ दो तीन चीज़ें लेने के बाद यहाँ से जैसे ही फ्री होते हैं फिर हम निकलेंगे, और सुबह ईद के लिए भी तैयारी करनी है। तो स्प्लैश बेसिकली काफ़ी सारे मॉल्स में है यहाँ पे। एक दो दिन पहले जो हमने शॉपिंग की थी वो सारा सेंटर था वहाँ से, और आज जो है यहाँ पे गुरेर माल में है ये स्प्लैश का। काफ़ी बड़ा स्टोर है यहाँ भी।